गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बेंटन कोड. बेंटन कोड का ये मेजरमेंट होता है और ये मेजरमेंट आपका जो है वो फिट में होता है, फीट में होता है. तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इसको मीटर में करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आप पॉइंट्स में आपको याद करना होगा, फिट में बिल्कुल एग्जैक्ट आता है. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इसकी टोटल लेंथ, इस कोड की पूरी टोटल लेंथ जो होती है यहां से यहां तक, ये 44 फीट होती है, 44 फीट. और इसकी जो चौड़ाई होती है, ब्रेथ जो होती है, ये आपकी पूरी 20 फीट होती है, टोटल 20 फीट. ये आपकी 20 फीट चौड़ाई और 44 फीट आपकी लंबाई. इसके बाद आता है आपका जो है ये आपका कोड डाइवर्ट होता है चार पार्ट्स में. सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है लॉबी. ये लॉबी होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है लॉबी की, जैसे ये मेंशन है इधर 1.5 फीट इसकी लॉबी की चौड़ाई होती है यहाँ पर. और फिर ये यहां से यहां तक होती है लॉबी, इसी तरीके से 1.5 फीट की इंटरनल लॉबी होती है यहाँ पर. ये सिंगल्स में यूज नहीं की जाती है, यहां से यहां तक का पोर्शन सिंगल्स में यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ डबल्स में ही यूज किया जाता है. तो उसके बाद आता है आपका लॉबी के साथ जो है ये पूरी लॉबी 1.5 फीट की होती है और यहां से 1.5 फीट यहां पर, 1.5 फीट यहां पर, तो ये आपका 3 फीट हो जाता है 3 फीट. और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होता है ये 17 फीट होता है, यानी 17 फीट का जो एरिया है कोर्ट है चौड़ाई में उतना यूज होता है ग्राउंड में सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए पूरा यूज होता है. ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका लॉबी के पास आपका ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं राइट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट. और ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट है, इसी तरीके से दूसरी तरफ लेफ्ट सर्विस कोर्ट एंड राइट सर्विस कोर्ट. तो राइट सर्विस कोर्ट में जो इसको डायवर्जन किया गया है यहां से, ये नेट का एरिया होता है, नेट की हाइट होती है 1.5 मीटर, या फिर आप ये समझ लीजिए 5 फीट हाइट होती है नेट की. तो 1.5 मीटर को अगर आप डाइवर्ट करेंगे तो 5 फीट में ये अप्रोक्सीमेट आएगा. तो ये नेट का पोर्शन होता है. उसके बाद जो ये वाला जो लॉबी होती है ये 6.5 फीट के बाद यहां से यहां तक राइट सर्विस कोर्ट बनाया जाता है. 6.5 नेट से यहां से छोड़ा जाता है और 6.5 फीट यहां से छोड़ा जाता है. फिर ये आपकी 13 फीट की लॉबी वो राइट साइड राइट सर्विस कोर्ट जो है तैयार किया जाता है. इसी तरीके से यहां पर भी, इसी तरीके से यहां पर भी. तो इस तरीके से 13 ये हो गया आपका 6.5 13 फीट ये हो गया, 13 फीट ये हो गया. और 2.5 यहां से यहां तक का जो पोर्शन होता है, ये जो कॉर्नर वाला जो पोर्शन होता है ये 2.5 फीट होता है. तो 2.5 ये हो गया 5 फीट, 13 फीट, 13 फीट एंड 13 फीट, ये टोटल मिलाकर 44 फीट हो जाता है. तो इस तरीके से मेजर करके बनाया जाता है लेफ्ट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट, लेफ्ट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट. अगर आपने राइट सर्विस कोर्ट से सर्विस की है, स्टार्ट किया है, तो आपकी शटल जो है फर्स्ट सर्व में इस राइट सर्विस कोर्ट में ही आनी चाहिए क्रॉस में. और अगर आपने यहां से किया है तो आपकी दूसरे साइड के लेफ्ट सर्विस कोर्ट में आनी चाहिए, ये रूल है. और नेट की हाइट जैसे मैंने आपको बताई 1.5 मीटर या फिर 5 फीट, ये आपके एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है ग्राउंड का. यहां से यहां तक का जो पोर्शन मैंने आपको पहले से बता दिया 6.5 फीट नेट से यहां पर. और अगर ये सर्विस आपने की और यहीं पे गिर जाती है तो रॉन्ग सर्विस होती है, पॉइंट दूसरे के फेवर में चला जाता है. तो आपको इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है. ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये लॉबी जो है सिंगल्स में यूज नहीं होती है. ये लॉबी 1.5 मीटर जैसे मैंने आपको बताया यहां पर मेंशन है 1.5 मीटर. इसी तरीके से आपको बनाना है, इसी तरीके से आपको शो करना है. हाइट ऑफ द नेट कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया. और इसमें जो है बेस्ट ऑफ 15 के पॉइंट्स होते, 3 सेट्स होते हैं जो, और ये रोटेशन में चलता है. पहले ये रूल था कि अगर आपने पॉइंट्स किया है तो आपको सर्विस होती थी और सर्विस होने के बाद फिर आपको चेंज कर दिया जाता था, सर्विस चेंज होती थी. फिर उसके बाद जिसकी सर्विस होती थी पॉइंट्स उसी में कोड होते थे. अगर दूसरे ने पॉइंट किया तो जो है सर्विस चेंज हो जाती थी, पॉइंट्स नहीं माना जाता. लेकिन अब रोटेशन चलता है, अब जिस पर भी पॉइंट हुआ तो वो पॉइंट काउंट हो जाएगा और सर्विस चेंज हो जाएगी. उसी के अकॉर्डिंग
अब जो है क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस ज्यादा हो रहा था तो इसलिए इसको जो है रोटेशन में कर दिया गया। 15-15 के तीन सेट होते हैं, तीन या पांच सेट भी कराए जा सकते हैं इंटरनेशनल मैचेस में। तो वो उसमें जो विनर होता है उसको जो है जैसे बेस्ट ऑफ थ्री में जो होता है उसको फिर उसको विनर बनाया जाता है। तो अगर टाई हो जाता है, अगर सपोज दैट इनके भी इस कोर्ट में भी इन्होंने भी 14 पॉइंट्स का किए, इनके भी 14 पॉइंट्स हो गए, तो उसमें ड्यूज होता है, यानी लगातार जो टॉप टू पॉइंट्स करेगा वो सेट का विनर होता है। तो बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको जो भी इसके बारे में लिखना है, जो भी इसके बारे में बताना है, वो आप स्टेप बाई स्टेप लिखेंगे। फिलहाल ग्राउंड का मेजरमेंट आपका यह एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, 14 फीट इसकी चौड़ाई होती है, 44 फीट इसकी चौड़ाई होती है, और वो 44 फीट इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और ब्रेथ होती है इसकी 20 फीट, यहां से यहां तक 20 फीट। फिर इसको डाइवर्ट किया गया लॉबी में, यहां से यहां तक की जो लॉबी होगी इसकी चौड़ाई जो है होगी वो 2.5 फीट होगी। इसके बाद जो है यहां से यहां तक की जो लॉबी होती है इसकी जो चौड़ाई होगी 1.5 फीट होगी। यहां की लॉबी और यहां की लॉबी सिंगल्स में जो यूज नहीं की जाती है, ये आउटर साइड कही जाती है, इस डबल्स में ये पूरा कोर्ट यूज किया जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि सिंगल की कोर्ट का मेजरमेंट क्या होता है, तो आप लिखेंगे 44/17, क्योंकि यहां से 1.5 की लॉबी हट जाती है, यहां से 1.5, तो यानी 17 बचता है। तो यहां से यहां तक का 17/44 फिट का जो कोर्ट होता है वो सिंगल्स में यूज होता है, और डबल्स में जो यूज होता है वो 20/44 का। तो बी केयरफुल अबाउट इट, जो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पुटअप किए जाते हैं जनरल नॉलेज की बेस पर भी, तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है इसकी स्किल, स्किल क्या होती है। स्किल में ड्रॉप शॉट होता है, स्मैश होता है, और फोर हैंड होता है, बैक हैंड होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाता है कि इनमें अच्छे प्लेयर जो होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म करते हैं, कहां उनको ड्रॉप शॉट खेलना है, कहां उनको स्मैश करना है, और कहां उनको जो है बैक हैंड यूज करना है, फोर हैंड यूज करना है। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। शटल की जो फीडर्स होते हैं वो 16 फीडर्स होते हैं उसमें, और अब तो प्लास्टिक की शटल भी आने लगी है, शटल कॉक्स, तो वो भी यूज होने लगी है। रैकेट इसमें यूज होता है, बहुत जितना लाइट रैकेट होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। बाकी इसकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। इसका जब आप कोर्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे और प्लेन पेज पर बनाएंगे, बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपका जो है वो कोर्ट का जो नेट होता है, नेट में जो है इस कोर्ट में नेट की हाइट जो है 5 फिट हमेशा याद रखें 5 फिट हाइट होगी। तो बी केयरफुल अबाउट इट, 5 फीट कह दीजिए या 1.5 मीटर, अप्रोक्सीमेट 5 फीट की आता है, तो इसको आपको याद रखना है और इसी तरीके से आपको इसमें तैयार करना है। बाकी जो मैंने हेडिंग्स दिए हैं, हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। थैंक यू।